नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। भोगपुर में एक नौजवान का गोलियां मारकर किया गया कत्ल। पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, पीड़ित का मोबाइल फोन किया बरामद। फिरोजपुर छावनी के शहीद मदनलाल ढींगरा पार्क में लगाया गया फ्री मेडिकल कैंप, भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर दिया लाभ। और अब हलचल विस्तार से। गत रात्रि भोगपुर में एक नौजवान का गोलियां मारकर कत्ल कर देने का मामला सामने आया है। भोगपुर में स्थित मोगा रेलवे फाटक के नजदीक हथियारों से लैस हमलावरों की ओर से एक नौजवान पर गोलियां चलाई गई, जिससे नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि आपसी रंजिश के कारण नौजवान पर हमला किया गया। पुलिस की ओर से चार हमलावरों को गिरफ्तार कर दिया गया है और मामला दर्ज कर बाकियों की तलाश भी की जा रही है। कल रात करीब करीब 10:30 बजे एक इंटीमेशन आई सी कि मोगा फाटक वाले पास भोगपुर के एक नौजवान ने गोलियां लगियां। साढ़े एस एच ओ साहब, साड़ी सारी टीम, मैं मौके पर पहुंचे फटाफट। जाके देखा वो नौजवान की डैथ हो चुकी थी। उन्होंने जी बॉडी है हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दी गई। उस तो इलावा ये इस केस के 118 नंबर FIR जी है मर्डर के संबंध में वो दर्ज की गई है, जिंद इन्वेस्टिगेशन जी है वो बहुत गहराई ना साइंटिफिक तरीक और जिन्हें भी टैक्निकल साधन साढ़े को गए उन्होंने सारे तरीकों जो फोरेंसिक टीम्स नाल लगा के दी जी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी FIR दर्ज हो चुकी है, जो बाकी दी इन्वेस्टिगेशन तो बाद जैसा भी कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएगा उसी आप जी ने दस दी। ये जो वाक्य हो करीब 10:25 तो लैके 10:30 के बीच हो तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिन्हें भी बाकी डिटेल्स ने उसी तो जो फंस वी आर डन विद द इन्वेस्टिगेशन देन वी विल डिस्क्लोज इट। सर छोटा सा सवाल है कि कौन था कि किसी भी नौजवान या मेडिकल का कोई बोल रहा है कुछ एक बयान वसी जी है कुछ कुछ वास्ते बुलाया गया उनकी इंटरव्यूशन हो रही है कुछ कुछ तो बाद जिस तरह के भी कोई साढ़े को सबूत आने के आधार पर तय नहीं कर रहे। अजय पोस्टमार्टम के इट्स प्रीमेच्योर क्योंकि अजय पोस्टमार्टम होना बाकी है तो वो डॉक्टर ही सानू ये बारे सही जानकारी दे सकते हैं कि किनिया बुलेट्स लगियां ने। बट ये गल बिल्कुल ठीक हैगी है कि जी उन्हों की जी बॉडी के गोलियां लगिया देखो मैं तो अपने हूँ भी यही गल पहला भी करके हटिया कि यह सारिया मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जिस तरह जो जो चीज़ तो साढ़े सामने आएगी अगे वधाते हुए इन्वेस्टिगेशन करके बिल्कुल सही तफ्तीश करके जो सही बनता होगा तो पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने पीड़ित की कलाई तोड़ने वाले दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट के मामले को सुलझा लिया है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 28 अगस्त को सनी निवासी शहीद बाबू लाभ सिंह नगर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह रात को अपने घर जा रहा था तो इस दौरान उसे मकसूदा चौक में 3 अज्ञात एक्टिवा सवारों ने रोका। उन्होंने पीड़ित के साथ मारपीट की और उसके गले पर हमला कर उसका मोबाइल फोन लूट लिया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ FIR थाना डिवीजन नंबर 1 जालंधर में दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान वरुण और बिनी दोनों निवासी न्यू देउल नगर मॉडल होम्स SP प्राइम स्कूल के पास जालंधर के रूप में की। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया है। उन्होंने बताया कि इनके तीसरे साथी अंकित की गिरफ्तारी अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच की जा रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजपुर छावनी के शहीद मदनलाल ढींगरा पार्क में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए राजेंद्र शर्मा, जो कि शहीद मदनलाल ढींगरा पार्क को सुंदर बनाने के लिए हमेशा ही अपने तन मन से सेवा करते आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि ढींगरा पार्क में लॉन्स क्लब फिरोजपुर विशाल के सहयोग से फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसमें लाखों लोगों ने भारी संख्या में आकर इसका लाभ लिया। उन्होंने कहा कि इस 3 घंटे के कैंप में काफ़ी संख्या में लोग आकर अपना चेकअप करवा रहे हैं और उन्होंने लॉयंस क्लब का भी धन्यवाद किया। इस अवसर पर चरणजीत पुंज ने कहा कि लॉयंस क्लब फिरोजपुर विशाल हमेशा ही सेवा भलाई के कार्य करते आ रहे हैं। आज उन्होंने शहीद मदनलाल ढींगरा पार्क में ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कई तरह ब्लड के चेकअप किए। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। सर, ये मेडिकल कैंप लॉयंस क्लब फिरोजपुर विशाल ने लाया है, ये लोगों को देखते हुए भी अजकल इन्नी प्रॉब्लम है, उस करके लगाया गया है कि चलो थोड़े अवेयर हो जाए, किसी की कोई हेल्प को थोड़ी बहुत हो सके, इस करके एक कैंप लगाया गया। ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हर चीज़ का टेस्ट हो रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट इन्हें मोबाइल से 12 बजे तक पहुँच जाएगी। अजे तक जी सवेरे शुरू होया है तो अजे तक 35 पेशेंट आ चुके हैं, बाकी आ रहे हैं, जिन्हें जिन्हें लोगों को पता चल रहा वो आ रहे हैं। ये कितने लगाया गया जी? ये ढींगरा पार्क फिरोजपुर कैंप मदनलाल ढींगरा पार्क में लगाया गया। वाल बड़ा अच्छा काम होया साडा, एक तो पार्क पॉपुलर हो रहा है, एक लोगों की सेवा कर रहे हैं, आस पास सारे महल ने इनवाइट करके आए हैं कि मेडिकल चेकअप फ्री हो रहा है, इन्होंने वास्ते बड़े फायदे की गल है और बड़ी मेहरबानी इन्हों की कि साढ़े वास्ते जगह चुनी इन्होंने, काफ़ी लोगों को फायदा हो रहा है, बड़ी अच्छी गल, लगाना चाहिए। किन्ने के मरीज आ जाएंगे जी? काफ़ी आ रहे जी, काफ़ी आ रहे, सारों को क्या भी हुआ, हले और भी आएंगे, काफ़ी मरीज आ रहे। ये किन्ने बजे तो किन्ने बजे तक लगाया जाए? सात तो नौ, हले तो शुरू होया जी, बहुत लोग आ रहे, काफ़ी लोगों को कई इनवाइट भी करके आए, कह के भी आए, सब आ रहे, बहुत खुश है लोग, बहुत अच्छी गल है कि इतने लगा पार्क। ठीक, थैंक यू, मेहरबानी इन्हों की, इतने लगवाया। अमृतसर आम रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 आशीष सूरी की तरफ से फिटनेस जिम में करवाई गई। इस अवसर पर नशा विरोधी संगठन के प्रधान बालकृष्ण शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पहलवानों को संबोधित किया और उन्हें स्वस्थ व नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथि रेफरी अनुज कनौजिया, एथलीट्स लुधियाना राहुल कुमार, नेशनल चैंपियन सुख सिंह, एशियाई चैंपियन अजय अली, प्रीत सिंह, सूरज मल्होत्रा, सोनू मिस्त्री, राजवीर सूरी व अन्य अतिथिगण का आशीष सूरी ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर अलग अलग शहरों से आए पहलवानों ने भाग लिया और अपने ताकत के जोहर दिखाए। इस दौरान अलग अलग कैटेगरी में विजय पहलवानों को ट्रॉफी और इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਓਨਰ ਆਫ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਏਗਾ, ਐਲਵੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। जालंधर कैंट के अधीन नाते दीप नगर लंबा कॉलोनी में समाज सेवक अजय पीवाल द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें लंबर कॉलोनी के पार्क और आसपास के पार्कों में पार्कों की सफाई के लिए अभियान चलाया गया। इस अवसर पर अजय पीवाल ने कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वातावरण को स्वच्छ बनाना चाहिए। इस अवसर पर रोहन, पुष, लव, सुदेश कुमार, दक्ष, हरभजन सिंह, बंटी भी उपस्थित रही। वहीं कॉलोनी की निवासियों द्वारा समाज सेवक अजय पीवाल का धन्यवाद भी व्यक्त किया गया। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। रोहन सोता जी, लंबड़ कलोनी का निवासी दीपनगर का, यह पार्क लंबड़ कलोनी साढ़े MLA साहब प्रगट सिंह जी के द्वारा बनवाई गई थी जी। ये पार्क का उस वेले ध्यान नहीं दिता गया, फिर असी अपने अजय कुमार जी ने बहुत फरियाद लाई,
कि अजय कुमार जी साडा पार्क साफ कराया जाए तो नाल ही उन्होंने साडी गल मनी तो पार्क बिल्कुल साफ करवा दिता जो कि असी उन्होंने दिलों बहुत धन्यवाद करीदा वा जो वो साढ़े लिए खड़ते हैं तो असं भी उन्होंने लिए खड़ा। भजन सिंह लंबड़ कलोनी दीपनगर तो बोल रहा ये पार्क पहला भी अजय कुमार ने साफ कराई थी दो तीन महीने पहला हूँ भी बहुत गंद पिया घा बहुत बहुत व्डा होया सब तुरे फिरते ये अजय कुमार ने पहला भी साफ कराया हूँ भी साफ कराया है असी अजय कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार जी मैं अजय पिवाल सोशल वर्कर दीपनगर तो जी जिदा तुम्हें पता ही बरसातों के मौसम चलते पे है तो घा फूस बड़ी उगी पी है इदा ही लंबड़ कलोनी वासियों ने मैंने डिमांड की थी भाजी लंबड़ कलोनी का जो पार्क है उत्थे बच्चे छोटे छोटे खेलते सप कीड़े का बड़ा डर और गंदगी बड़ी फैली पी है तो अच्छ सेवा करने का मौका मिले तो यह सेवा का आनंद लेंदे हुए पूरा सफाई कराई जा रही है सेवा करते हैं लोगों की तो सेवा करते रहेंगे। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। बिल्डर अमजद अली खान की तरफ से अपने नए घर में कार्यक्रम करवाया गया जिसमें विशेष रूप से पंजाबी के शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने शिरकत की। तो ही रविवार को जालंधर पहुंचे शाही इमाम पंजाब ने उनके घर पर पहुंचकर उन्हें बधाई देते हुए बच्चों के लिए करवाए कार्यक्रम के लिए उन्हें बधाई दी और दुआ भी मांगी। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब की तरक्की में मुस्लिम समुदाय भी अपना अहम योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमजद अली खान मुस्लिम समुदाय के बेहतरीन कार्यों में हमेशा अपना योगदान देते हैं और कौम की सेवा के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। इससे पहले गत रात्रि कार्यक्रम करवाया गया जिसमें शहर से राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रमुख शख्सियतों ने भाग लिया। अमजद अली खान ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए कार्यक्रम करवाया था जिसमें पूर्व सांसद सुशील रिंकू विधायक रमन अरोड़ा पूर्व विधायक रजिंदर बेरी पंजाब प्रेस क्लब के ज्वाइंट सेक्रेटरी सीनियर पत्रकार मिहर मलिक पूर्व पार्षद मिंटू जुनेजा हरजिंदर लाडा संजय सहगल राजेश अग्निहोत्री नासिर सलमानी आबिद सलमानी भी उपस्थित रहे। इनके अलावा अर्श अली खान इकराम सदाकत हुसैन तबरेज आलम मोबीन अहमद इकराम साहिब जब्बार खान अनस चौधरी एहराम भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल जालंधर की ओर से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर के श्री राम हॉल में चल रही श्री राम कथा के दूसरे दिन की शुरुआत पूजन के साथ हुई। तो वहीं इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्मपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने उपस्थित श्री राम भक्तों को भगवान श्री राम जी के जीवन से उदाहरण देते हुए भक्ति, विश्वास और निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने श्री राम के जन्म के महत्व और ये कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है इस पर विस्तार से बताया। इससे पहले कथा में आप नेता बॉबी ठल, राम प्यारा सिंह एवं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता तेज प्रताप सिंह ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रधान हरिकांत झा, कैशर भगवान दास, पूर्व प्रधान एवं पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी अजय मल्होत्रा, अशोक मेहरा, वेद प्रकाश, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप सिंह, अशोक शर्मा व मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। भगवान का दर्शन भी नहीं है। जब सब में आपको गुण ही गुण मालूम पड़ने लगे कि इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु बिना गुण के नहीं होती है, सब में एक न एक गुण जरूर होता, लेकिन जिससे हमारा मन नहीं मिलता उसमें गुण नहीं दिखते, उसमें बुराई दिखने लगती है, और जिससे हमारा मन मिलता है, जिससे हमारा प्रेम होता है, उसमें गुण ही गुण दिखते हैं, दोष नजर नहीं आते हैं। पंडित सुरेंद्र कुमार दत्ता म्यूजिकल सर्कल जालंधर द्वारा भारत रत्न और विश्व विख्यात सितार वादक स्वर्गीय पंडित रवि शंकर जी को एक संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
जालंधर डिवीजन के कमिश्नर प्रदीप कुमार सबरवाल और पौंडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल इकबाल सिंह थे। अतिथियों का स्वागत पंडित एसके दत्ता और ऑल इंडिया रेडियो के कलाकार तिलक राज व उनकी टीम ने किया। तो वहीं मंच का संचालन प्रोफेसर अनु मल्होत्रा और प्रोफेसर लोकेश शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर कई प्रमुख गणमान्य आशुप्रीत कौर, रजत मल्होत्रा, सुखदेव सिंह, डॉक्टर अरुण मिश्रा, पंडित रमाकांत और डॉक्टर गुरदीप सिंह नामधारी के साथ बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण प्रस्तुति विख्यात सितार वादक पंडित कुशल दास की रही। वहीं पुणे की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका यशस्वी ने राग हमीद में अपनी गायन प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अज मैं इतने दत्ता साहब जी के प्रोग्राम च आया देखा। तो चलो मैं दत्ता साहब शुरू तो काफ़ी 15 साल तो जुड़े हुए हैं। ये बड़ा ही महान समागम, गुरमत महान संगीत शास्त्रीय संगीत समागम दत्ता साहब वालों कराया जाता है। और इस जिस विच जो कि दत्ता साहब अपने गुरु जी पंडित रवि शंकर जी की याद हर तरह संगीत हर तरह पंडित रवि शंकर जी की याद से करवाए आ रहे हैं 15 साल को। इस संगीत समेलन की खास विशेषता है कि इसे बड़े ही उच्च कोटि के कलाकार हमेशा पंडित जी पंडित रवि शंकर जी अपने अपने परफॉर्मेंस राही अपनी श्रद्धा सुमन पेंट करते हैं। और इस संगीत समेलन की विशेषता भी है कि इसका सारा खर्चा दत्ता साहब खुद अपनी अपने पासों करते हैं। कोई किसी तरह की किसी तरह पासों कोई आर्थिक मदद नहीं लेंगे जी। तो इस करके अपने तरह का एक निकला ही संगीत सम्मेलन है जो कि जलंधर पिछले 15 सालों तो कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। नीमा की स्थानीय शाखा के लिए 2024-26 के कार्यकाल हेतु डॉक्टर एसपी डालिया को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया है। गत दिवस होटल बसंत कॉन्टिनेंटल में आयोजित विशेष बैठक में ये घोषणा की गई। इस बैठक में मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर अनिल नागरत ने डॉक्टर डालिया के नाम की घोषणा के साथ ही अन्य चुने गए पदाधिकारियों के नामों की भी घोषणा की गई। तो वहीं चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए डॉक्टर नागरत ने बताया कि किन सदस्यों ने चुनाव में नामांकन किया और किन्होंने अपने नाम वापस लिए। डॉक्टर डालिया के निर्विरोध प्रधान चुने जाने पर संगठन के सभी सदस्यों ने उन्हें फूलों की हार पहनाकर बधाई दी और उनके आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर एसपी डालिया ने दैनिक सवेरा से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी प्राथमिकता संगठन में अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने की रहेगी। निम्मा की कार्यकारिणी में चुने गए प्रमुख पदाधिकारी प्रेसिडेंट डॉक्टर एसपी डालिया, सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव धवन, डॉक्टर सरबजीत सिंह, डॉक्टर प्रशांत जैसे, डॉक्टर अमित सल्होत्रा, डॉक्टर सुनील कालड़ा, डॉक्टर वरुण अग्रवाल, डॉक्टर दिनेश चक्की, डॉक्टर अश्विनी नरूला, डॉक्टर बी एस भाटिया, डॉक्टर नीरज कालड़ा, डॉक्टर एस एस खोत्रा, डॉक्टर करणवीर, डॉक्टर सुमित कल्याण शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी,
मैं डॉक्टर एस पी डालिया अज NIMA जलंधर का प्रेजिडेंट इलैक्ट होया जिहड़ा कि सर्वसम्मति दे नाल इलैक्शन होया सीगा जिहदे विच 6 बंदियां ने प्रेजिडेंट का फॉर्म भरिया सी पर उन्होंने अपना नाम विदड्रॉ करके मैनू प्रधान सेवक होने का मौका दिता है। इस तो अलावा मैं 98 दे विच NIMA दे नाल जुड़िया सी, मैं अलग अलग पोस्टा ते काम करदा होया PRO फिर उस तो बाद मैं ऑर्गेनाइजिंग सैकटरी रहा, उस तो बाद मैं सैकटरी का भी अहुदा संभालिया, उस तो बाद मैं जलंधर का कैशियर भी रहा। तो हूँ मैनू इस बारी सारे मेरे सीनियर्स ने ते मेरे साथियों ने मैं मौका दिता है कि मैं हूँ इस बार प्रधान सेवक बन के NIMA की सेवा करा। इस दे नाल ही मैं हूँ सारिया दे जिहड़ा विश्वास मेरे ते जताया है उस विश्वास नूं मैं पूरी तरह कायम करांगा, पूरी तरह उन्हां दे विश्वास ते खरा उतरा। इसलिए मैं NIMA दा जिन्ने भी अगे आने वाली चुनौतियां वो सारे कार्यां नूं पूरा करदा होया दृढ़ निश्चिता दे नाल इस और अपनी पूरी निष्ठा दे नाल NIMA दे लई कार्य करांगा। जय NIMA। मैं डॉक्टर राजीव तवन अज सर्वसम्मति दे नाल NIMA जलंधर दा सैक्रेटरी बनिया। मैं NIMA नूं 1998 च ज्वाइन किया सीगा और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर काम करके लाइक ऑर्गेनाइजिंग सैक्रटरी जॉइंट सैक्रटरी अज मैं सैक्रटरी बनने का मौका मिले। मैं धन्यवाद करता वहाँ अपने सारे सीनियर्स का जिन्होंने मैं इस पोस्ट वास्ते मैनू सिलेक्ट किया। मैं अपनी पूरी कोशिश कराँगा कि आने वाले टाइम NIMA के वास्ते जो वो तो वह कर सक कराँगा। थैंक यू। तो नमस्कार जी, मैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, मैं जलंधर NIMA का कैशियर चुनिया गया। मैनू बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक इदा दी एसोसीएशन का पार्ट बनया जिदा नाम एक स्टेट लैवल से नहीं इंडिया लैवल से जाने जाता है। साड़ी डॉक्टर्स एसोसीएशन हर एक डॉक्टर के नाल हमेशा उन्होंने उतार चढ़ाव के ऑलवेज खड़ी है। मैनू बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे सीनियर्स ने, मेरे भरावान ने, मेरे भैन ने मैनू सबनों इस लायक समझा कि मैं इस पोस्ट कैशियर के खड़ा होया से उन्होंने मैंने बनाया। सब का बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूँगा कि इस पोस्ट में मैं जस्टिफाई कर सकता। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सुखदेव भाई, जनकराज भाई, सुरेंद्र भाई ने कहा कि वर्तमान समय में चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य, अहिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। अधर्म अपनी चरम सीमा पर है और पाप का घड़ा भर चुका है। हर मनुष्य दुखी और अशांत है। जब भी अधर्म बढ़ता है तो परमात्मा को इस धरती पर आना ही पड़ता है, इसलिए परमात्मा आ चुके हैं। इस अवसर पर सुनीता बहन, रूप कुमार, अजीत भाई, जगजीत भाई, सागर भाई, राम कुमार, अनीता माता सहित सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक बिनी बंसी एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने माँ के सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अवतार कब्बी, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक बिनी बंसी एंड पार्टी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Oh,
शक्तिपीठ श्री दिव्य तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक अशोक शीतल एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य जोगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, नरेंद्र सहजपाल, चंदन मोहन ढिंगरा ने भजन गायक अशोक शीतल एंड पार्टी को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संजीव सहनी, सोहन लाल, किरण कुमार, राजेंद्र मुतान, नरेशपाल, गोवर्धन गोंधी, नरेंद्र शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। धूप इंडस्ट्रीज के मालिक सचिन शर्मा की माता सुमन शर्मा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हाल में किया गया। इस अवसर पर पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ को भोग डालकर स्वर्गीय सुमन शर्मा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व सीपीएस केज भंडारी, मनोरंजन क्वालिया, अमरजीत सिंह अमरी, पूर्व सांसद सुशील डिंकू, नीलकंठ जज, पंडित पिंटू शर्मा, गायक वरुण मदान, श्यामलाल चड्डा, जोगिंदर पाल, अजय चोपड़ा व पारिवारिक सदस्यों में सचिन शर्मा, श्वेता शर्मा, नितिन शर्मा, शिल्पी सुनील शर्मा, वंश शर्मा, वीरेन शर्मा, रक्षित शर्मा, सेजल शर्मा, समायरा शर्मा सहित शहर के व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सुमन शर्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संतोष वालिया अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जावराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। तो वहीं पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डाला। इस दौरान सीमा मेहता द्वारा अमृत वाणी का उच्चारण कर स्वर्गीय संतोष वालिया की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व विधायक केडी भंडारी, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, पूर्व सांसद सुशील कुमार इंकू, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, शशि शर्मा, विजय खुल्लर, हरभजन सिंह सैनी, प्रवीण वालिया, सुनील वालिया, अमरजीत सिंह भाटिया, विकास निश्चल व पारिवारिक सदस्यों में बेटा रुद्र वालिया, रश्मि वालिया, रचना, जतेंद्र वालिया, पूजा, संदीप कपूर, डॉक्टर श्याम, डॉक्टर संदीप पायल, गौरव चोपड़ा, इकबाल वालिया, प्रियंका सागर वालिया सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय संतोष वालिया को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। Thank you.
अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। भोगपुर में एक नौजवान का गोलियां मारकर किया गया कत्ल, पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, पीड़ित का मोबाइल फोन किया बरामद। फिरोजपुर छावनी के शहीद मदनलाल ढींगरा पार्क में लगाया गया फ्री मेडिकल कैंप, भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर दिया लाभ। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।